कलर्स के सुपरनैचुरल शो नागिन 3 में जबरदस्त ट्विस्ट चल रहा है। शो में एक के बाद एक शॉकिंग ट्विस्ट आते जा रहे हैं। बेला को उसके अघोरी गुरु ने बहुत जबरदस्त जहर वाली शक्ति दी है ताकि वो चोरी हुई नागमणि को ढूंढ सके। बेला बहुत ज्यादा जहरीली बन जाती है, अगर किसी इंसान ने उसे छू लिया तो वो तुरंत मर जाएगा उसके सच्चे जीवन साथी के अलावा। बेला माहिर को उसे गले लगाने को कहती है। बेला को पता था कि उसकी बॉडी में जहर बहुत बढ़ गया है, अगर माहिर उसे छुएगा तो वो तुरंत मर जाएगा। बेला से गले लगने के बाद माहिर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। माहिर की बुरी हालत देखकर बेला टूट जाती है, लेकिन बेला को सबसे बड़ा शॉक तब लगेगा जब उसे पता चलेगा कि माहिर मरा नहीं जिंदा है, जिसके बाद बेला को गुरुजी की बात याद आ जाएगी कि बेला को छूने के बाद वही बच सकता है जो उसका सच्चा जीवन साथी होगा। बेला को रियलाइज हो जाता है कि माहिर उसका सच्चा जीवन साथी है। सीरियल नागिन में एक और शॉकिंग खुलासा होगा और वो ये कि रूही की माँ यानी असली नागरानी जिंदा है। गुरुजी ने रूही की माँ को छुपा कर रखा है और गुरुजी ही वो इंसान है जिसने नागमणि चुराई है और वो बेला को धोखा दे रहा है। गुरुजी बेला के साथ बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। बेला के पास सिर्फ 12 घंटे हैं नागमणि ढूंढने के लिए। चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद वो नागमणि नहीं ढूंढ पाएगी। क्या बेला नागमणि ढूंढने में कामयाब हो पाएगी? हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और पाइए अपने फेवरेट टीवी शो से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। ये खबर आपको कैसी लगी आप कमेंट्स के जरिए। कलर्स के सुपरनैचुरल शो नागिन 3 में जबरदस्त ट्विस्ट चल रहा है। शो में एक के बाद एक शॉकिंग ट्विस्ट आते जा रहे हैं। बेला को उसके अघोरी गुरु ने बहुत जबरदस्त जहर वाली शक्ति दी है ताकि वो चोरी हुई नागमणि को ढूंढ सके। बेला बहुत ज्यादा जहरीली बन जाती है, अगर किसी इंसान ने उसे छू लिया तो वो तुरंत मर जाएगा उसके सच्चे जीवन साथी के अलावा। बेला माहिर को उसे गले लगाने को कहती है। बेला को पता था कि उसकी बॉडी में जहर बहुत बढ़ गया है, अगर माहिर उसे छुएगा तो वो तुरंत मर जाएगा। बेला से गले लगने के बाद माहिर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। माहिर की हालत देखकर बेला टूट जाती है, लेकिन बेला को सबसे बड़ा शॉक तब लगेगा जब उसे पता चलेगा कि माहिर मरा नहीं जिंदा है, जिसके बाद बेला को गुरुजी की बात याद आ जाएगी कि बेला को छूने के बाद वही बच सकता है जो उसका सच्चा जीवन साथी होगा। बेला को रियलाइज हो जाता है कि माहिर उसका सच्चा जीवन साथी है। सीरियल नागिन में एक और शॉकिंग खुलासा होगा और वो ये कि रूही की माँ यानी असली नागरानी जिंदा है। गुरुजी ने रूही की माँ को छुपा कर रखा है और गुरुजी ही वो इंसान है जिसने नागमणि चुराई है और वो बेला को धोखा दे रहा है। गुरुजी बेला के साथ बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। बेला के पास सिर्फ 12 घंटे हैं नागमणि ढूंढने के लिए। चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद वो नागमणि नहीं ढूंढ पाएगी। क्या बेला नागमणि ढूंढने में कामयाब हो पाएगी? हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और पाइए अपने फेवरेट टीवी शो से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। ये खबर आपको कैसी लगी आप कमेंट्स के जरिए। कलर्स के सुपरनैचुरल शो नागिन 3 में जबरदस्त ट्विस्ट चल रहा है। शो में एक के बाद एक शॉकिंग ट्विस्ट आते जा रहे हैं। बेला को उसके अघोरी गुरु ने बहुत जबरदस्त जहर वाली शक्ति दी है ताकि वो चोरी हुई नागमणि को ढूंढ सके। बेला बहुत ज्यादा जहरीली बन जाती है, अगर किसी इंसान ने उसे छू लिया तो वो तुरंत मर जाएगा उसके सच्चे जीवन साथी के अलावा। बेला माहिर को उसे गले लगाने को कहती है। बेला को पता था कि उसकी बॉडी में जहर बहुत बढ़ गया है, अगर माहिर उसे छुएगा तो वो तुरंत मर जाएगा। बेला से गले लगने के बाद माहिर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। माहिर की बुरी हालत देखकर बेला टूट जाती है, लेकिन बेला को सबसे बड़ा शॉक तब लगेगा जब उसे पता चलेगा कि माहिर मरा नहीं जिंदा है, जिसके बाद बेला को गुरुजी की बात याद आ जाएगी कि बेला को छूने के बाद वही बच सकता है जो उसका सच्चा जीवन साथी होगा। बेला को रियलाइज हो जाता है कि माहिर उसका सच्चा जीवन साथी है। सीरियल नागिन में एक और शॉकिंग खुलासा होगा और वो ये कि रूही की माँ यानी असली नागरानी जिंदा है। गुरुजी ने रूही की माँ को छुपा कर रखा है और गुरुजी ही वो इंसान है जिसने नागमणि चुराई है और वो बेला को धोखा दे रहा है। गुरुजी बेला के साथ बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। बेला के पास सिर्फ 12 घंटे हैं नागमणि ढूंढने के लिए। चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद वो नागमणि नहीं ढूंढ पाएगी। क्या बेला नागमणि ढूंढने में कामयाब हो पाएगी? हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और पाइए अपने फेवरेट टीवी शो से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। ये खबर आपको कैसी लगी आप कमेंट्स के जरिए।